देखिए मैं कौन होता हूं, मैं एक सियासी कारकुन हूं, मैं किसी सियासी जमात पर पाबंदी को सपोर्ट नहीं करता, मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर किसी सियासी वर्कर की गिरफ्तारी पर बिलीव नहीं करता। पार्लियामेंट जो है पहले भी अपने फैसले कर चुकी है और पार्लियामेंट जो है अपना जो भी कानून बना चुकी है। मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है, तमाम जमातों को तमाम इदारों को पार्लियामेंट को बालादस्त तस्लीम करना होगा, और अगर पार्लियामेंट की बालादस्ती तस्लीम नहीं होनी तो फिर इस सिस्टम को बंद कर देना चाहिए। जब भी पाकिस्तान सियासी तौर पे मुआशी तौर पे इस्तेहकाम की तरफ जा रहा होता है, हम कोई ना कोई ऐसा कू करते हैं कि जिससे हैजानी कैफियत आ जाती है। अजीज साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खालिद साहब, राणा सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि मैं आपको अपना सियासी हरीफ समझता हूँ। ये वही राणा सनाउल्लाह साहब है जो कहते थे कि ये इंतशारी टोला है, ये फितना है, ये सियासतदान नहीं है, ना ये सियासी जमात है, या ये रहेंगे या हम रहेंगे। क्या वजह है कि राणा सनाउल्लाह साहब को कहना पड़ रहा है कि आपको मैं सियासी हरीफ समझता हूँ और सियासी हरीफ से बात हो सकती है, डायलॉग हो सकता है, आइए हमसे बात करें। तो पहले हुकूमत क्लैरिटी तो लेके आए कि ये इंतशारी टोला है या फिर पॉलिटिकल पार्टी है, ये सियासतदान है, इनसे बात हो सकती, कोई क्लैरिटी नहीं है हुकूमत में भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें बड़ी साफ और वाज़े बात है कि मुस्लिम लीग नून ने कभी भी किसी से बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं किया। मुस्लिम लीग नून कभी इस हद तक किसी के साथ पर्सनल नहीं हुई कि वो दुश्मनी में बात आ जाए, ना मुस्लिम लीग नून ने कभी किसी को या कहा कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे, ना मुस्लिम लीग नून ने कभी किसी को ये कहा कि हम आपका एसी उतारेंगे, ना मुस्लिम लीग नून ने कभी किसी को ये कहा कि जनाब फलाने शख्स जो हैं वो चोर हैं और बाकी सारी जो मुस्लिम दुनिया जो वो नेक पाक है। हम खाई साहब वैसे बड़े सादा आदमी हैं, तरीके से करने पे शुरू से बिलीव रखते थे। सर वैसे बड़े सादा आदमी हैं, आपने तोशाखाना केस डाल दिया, आपने ये जितने मामले आते हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि नून लीग ने कभी ये कहा नहीं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा या हम रहेंगे या आप रहेंगे, तो इसका मतलब तो बड़ा क्लियर होता है ना सर, वो बेशक पॉलिटिकल डोमेन में हो के हम रहेंगे। अगर आप प्लीज मुझे अपनी बात को मुकम्मल करने का मौका देंगे तो मैं अपनी बात कर सकूंगा, क्योंकि मैंने 10 मिनट से ये सारा सेगमेंट सुन रहा हूँ और आप जो है वो एक चंद सेकंड मेरी बात नहीं सुन सके। तो ये जो बेसब्री है ना, इसी ने मुल्क को तबाह किया है कि जल्दी बढ़ी है हमें हर चीज़ की, यानी हम राय कायम करने में भी बड़ी जल्दी करते हैं, हम फैसला करने में भी बड़ी जल्दी करते हैं। तो जरा ठंडे दिमाग से ना 2 मिनट आप मुझे जरा प्लीज मेरी बात सुन लें। खाई साहब, एक तो आप आ गए, सर आप आ गए, पहले तो भाई से बरकत है कि आपने हमें जो है इज्जत दी है, आज आप आए हमारे शो के अंदर, तो मैं तो खामोश बैठूँ, मैं आपको सुनूंगा, बस आप जो कह रहे हैं मैं सुनूंगा। खाई साहब मुझे एक तो आपकी आवाज़ जो है ना वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही, मुझे बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि आप क्या बोल रहे हैं, तो आपकी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम है मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही, लेकिन बहरहाल मैं बात करता हूँ कि देखें मुस्लिम लीग नून ना तो इंतकाम पर बिलीव करती थी ना करती है। हाँ, अगर कोई शख्स लोगों को ये कहेगा कि वो सबसे बड़ा नेक है और वो चोरी में मुलव्वस होगा, अगर कोई शख्स लोगों को ये कहेगा कि बाकी सब चोर हैं और मैं ही नेक हूँ और उसकी को चोरी पकड़ी जाएगी, तो डेफिनेटली उसके कानून जो है वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। अभी आपने तोशाखाना केस की बात की, तो क्या वो मैंने बनाया या किसी मुस्लिम लीग नून ने बनाया? तोशाखाना केस एक वाकया हुआ है तो केस बना है ना भाई, और तोशाखाना केस जो है उसको चलने दें, वो उसका जो मंतकी इंजाम होगा वो सब उसको देख लेंगे। जहाँ तक दूसरे केसेस का ताल्लुक है, 9 मई का वाकया मुस्लिम लीग नून ने कहा था किसी को करने को, मुस्लिम लीग नून ने किसी सियासी जमात से कहा था कि जाके कोर कमांडर का घर जला दें, या मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि अपना टैंकों पे बैठ के जाने की बात करें, या पाकिस्तान पर एटम बम खुदा ना खास्ता गिरने की बात जो है वो मुस्लिम लीग नून ने किसी को कहा था कि वो करें? जिसने जो जो बात की हुई है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, जो उस दिन टॉल क्लेम्स 9 मई की शाम को किए जा रहे थे वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, जो वीडियोस मौजूद हैं शोहदा की यादगारें जलाने की, जो वीडियोस मौजूद हैं, आज तो बहुत बड़े बड़ी बातें लोग कर रहे हैं, जो लोगों की वीडियोस मौजूद हैं कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, हमने कहा था कि जनाब खान साहब जो हैं उन पर हाथ ना डालना और अब हम तो ये करके आएंगे हम वो करके आएंगे, तो मेरे भाई इस मुल्क में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हो गए, उनका जुडिशल मर्डर साबित हो गया। मुझे बताया कि 9 मई वाला जो मामला है, सब्सटेंशियल एविडेंस भी आपके पास मौजूद है, हुकूमत के पास सब कुछ है, मैं तो कह रहा हूं कि आपने तो पाबंदी लगानी थी पीटीआई के ऊपर, आपने तो आर्टिकल 6 लगाना था इमरान खान के ऊपर, और दूसरा यह है कि आप इंतशारी टोले से 9 मई करने वालों से बार बार ये कह रहे हैं कि हम पेशकश करते हैं मुजाकरात कर लो, बार बार आप उनको कह रहे हैं हमारे साथ बैठ जाओ, तो पहले क्लैरिटी तो लेके आए ना सर कि 9 मई वालों को सजा देनी है, बैन करना है, या फिर आपको सुनने में गलतफहमी हुई है, आपको आपको सुनने में को गलतफहमी हुई है, जो लोग 9 मई में मुलव्वस हैं उनसे किसी किस्म की बात नहीं होगी, और जो राणा सनाउल्लाह साहब ने बात किया, शायद अगर आपने नहीं सुनी तो दोबारा सुन लें,
वो कहते हैं हमारी दुश्मनी नहीं है, हम आप पे दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर आप अपने खुद दुश्मन हैं और आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, आप अगर किसी चोरी में इन्वॉल्व हैं, तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, हम आपके साथ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे। बात को थोड़ा सा ठंडे दिमाग से, तो सर फिर ये स्टांस में तब्दीली आई है ना हुकूमत की। हमने किसी पे मनशियात का केस नहीं बनाया, हमने किसी के ऊपर मनशियात नहीं डाली मेरे भाई। आपने किसी को ढाई ढाई तीन तीन साल नजायज अंदर रख के बाद में जो फैसले आए कि जनाब वो गलती हो गई, हमने किसी के साथ ये नहीं किया। अगर 9 मई के केसेस हैं तो जिन लोगों ने मौके पे जो किया है वो कानून उनको देख रहा है और उसके मुताबिक चीजें चल रही हैं। हमने तो किसी पे कोई 9 मई वालों से बात होनी चाहिए या पाबंदी होनी चाहिए सर? देखिए मैं कौन होता हूं, मैं एक सियासी कारकुन हूं, मैं किसी सियासी जमात पर पाबंदी को सपोर्ट नहीं करता, मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर किसी सियासी वर्कर की गिरफ्तारी पर बिलीव नहीं करता, मैं एज अ सियासी कारकुन किसी लीडरशिप को गिरफ्तार करने पर बिलीव नहीं करता, लेकिन अगर कोई भी लीडरशिप कोई भी वर्कर क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, अगर कोई सियासी पार्टी अपनी सियासत का रास्ता छोड़ के तशद्दुद पसंदी इख्तियार करेगी, तो मैं ख्वाहिश करने के बावजूद कुछ नहीं कर सकता। तो ये इस मुल्क में एक कानून है, इस मुल्क में एक आईन है जिसको अपनी मर्जी से तोड़ा और मोड़ा जाता है। तो बहरहाल जो इदारे मौजूद हैं, अदलिया मौजूद है, सारे इदारे मौजूद हैं, वो अपना रास्ता ले रहे हैं, वो अपना रास्ता लेंगे और कानून जिस जो फैसला करेगा उसको सबको मानना पड़ेगा। ठीक, अच्छा ख्वाज साहब, हुकूमत को इतनी उजलत क्या है? देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया, बड़ी उजलत के अंदर पार्लियामान से कानून में तरमीम भी करा ली गई और उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गुब्बारे में हवा भी भर गई, वो कहते हैं हमने भी नजरसानी दरखास्त दायर करनी है, तो हुकूमत को इतनी उजलत क्या है ये मखसूस नशस्तें उचक लेने की, क्या डर क्या है सर? देखें यार, बड़ी खुली सी बात है कि इस मुल्क में और पूरी दुनिया में कहा जाता है कि अगर अदलिया आज़ाद और मुनसिफाना फैसले जहां भी करती है वो मुल्क, उसको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन माजरत से हमने तो आज तक ये देखा है कि मनपसंद फैसले नज़र आते हैं, और बड़े अदब से मैं आज करूँगा कि जुडिशरी को सियासी फैसले नहीं करने चाहिए, जुडिशरी को आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने चाहिए। मुझे तो समझ ये नहीं आती कि जब मियां नवाज शरीफ साहब को पार्टी लीडरशिप से हटाने का फैसला था उस वक्त के की ग्राउंड्स और थी, और वही फैसला जब किसी और के मुतालिक आता है तो ग्राउंड्स बदल जाती हैं। और इसी तरह से पार्टी हेड और पार्लियामेंट लीडर की डेफिनेशन का जो फैसला था, वो जो 17 जुलाई के इलेक्शन के नतीजे में जो सारी चीज़ें जो उसके बाद देखने को आई, तो हमारे लिए पैमाने और हैं और लाडरों के लिए पैमाने और हैं। तो जब तक कोई किसी का लाडरा रहेगा इस मुल्क में आइन और कानून नहीं पनप सकता। कानून और कानून, अच्छा, मुझे बताएं सर, कानून के मुझे सर, मुझे बताएं कि कोई ये कोई तरीकाकार नहीं है कि जो जिसका दिल करता है वो करी जाएगा, ये कोई जंगल का कानून नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, हुकूमत दो तहाई अक्सरियत लेके कोई आईनी पैकेज मंजूर कराना चाहती है पार्लियामान से, क्या ये लाइन ऑफ एक्शन है इस वक्त हुकूमत की, इसीलिए जल्दी भी? देखें पार्लियामेंट जो है पहले भी अपने फैसले कर चुकी है और पार्लियामेंट जो है अपना जो भी कानून बना चुकी है। मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है और इस मुल्क के बकाया तमाम इदारों को पार्लियामेंट के फैसलों को मानना होगा, और अगर कोई पार्लियामेंट के फैसलों को नहीं मानता तो फिर मैं समझता हूँ कि ये जुल्म और ज्यादती है और उसके अलावा और कोई बात नहीं होगी। तो पहले पार्लियामेंट के फैसलों को माजी में बिल्डोज किया जाता रहा है, लेकिन मैं एज अ सियासी कारकुन जब मैं ये बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि तमाम जमातों को तमाम इदारों को पार्लियामेंट को बालादस्त तस्लीम करना होगा, और अगर पार्लियामेंट की बालादस्ती तस्लीम नहीं होनी तो फिर इस सिस्टम को बंद कर देना चाहिए। खाई साहब देखिए, यहाँ पे ये कोई आईनी तरमीम नहीं की पार्लियामान ने, ये एक एक्ट है और इसको स्ट्राइक डाउन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर सकती है, नंबर वन। नंबर टू बात ये है, ये आपको फोर्स ही करना पड़ेगा। और दूसरी बात जो मैं पूछ रहा हूँ वो ये है कि क्या हुकूमत को आईनी तरमीम लाना चाहती है पार्लियामान से, क्योंकि ख्वाजा आसिफ समेत बहुत सारे लोग ये कह चुके हैं ना कि अक्टूबर बड़ा अहम है, तो अक्टूबर से पहले पहले हुकूमत कोई बंद बांध रही है, अपने जो भी खतरात नजर आ रहे हैं उसके सामने को बंद बांधना मकसूद है? देखिए यार, बात तो यह है कि मैं कानूनी माहिर तो नहीं हूँ भाई, मैं एक सियासी कारकुन ज़रूर हूँ, मैं अपनी सियासी समझ बूझ के मुताबिक जो है वो बात करता हूँ। तो सियासी कारकुन जो हैं और सियासी जमातें जो हैं वो सियासी फैसले करती हैं, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को हैजानी कैफियत से बचाने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा मसला है, बड़े मैं अदब से अर्ज करूँ कि पाकिस्तान जब भी मुस्तहकम होने लगता है, जब भी पाकिस्तान सियासी तौर पे मुआशी तौर पे इस्तेहकाम की तरफ जा रहा होता है, हम कोई ना कोई ऐसा कू करते हैं कि जिससे हैजानी कैफियत आ जाती है। अब ये बात करना कि हुकूमत आज जा रही है, कल जा रही है, अक्टूबर अहम है, 2 महीने अहम है, इससे क्या मिलेगा? इससे सिर्फ और सिर्फ ये होगा
कि पाकिस्तान की मईशत जो है जो बड़ी तेजी से बेहतरी की तरफ जा रही थी उसको एक ब्रेक लगेगा, पाकिस्तान के हालात जो तेजी से बेहतरी की तरफ जा रहे थे उसको अनसर्टेनिटी में ले जाके फिर दोबारा बेड़ा गर्क होगा। तो मैं ये हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि खुदारा मुल्क को चलने दें, पाकिस्तान के लोगों पे बहुत जुल्म हो गया, अब उन्हें मजीद महंगाई की चक्की में ना पीसे। पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से बेहतरी की तरफ जा रहा है, रोज का तमाशा जो लगा हुआ था किसी जमाने में वो खत्म होने की तरफ जा रहा है। तो अफवाह साजी पे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अल्लाह नोज बेटर कल क्या होगा। इंशाल्लाह ताला मेरा बिलीव है कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे बना है, इसका कुछ नहीं बिगड़ना, ये चलेगा भी दौड़ेगा भी, लेकिन सिर्फ खुदारा इस मुल्क को चलने दें। बहुत शुक्रिया ख्वाजा इमरान अजीज साहब।